अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी लिंकिंग लॉज के इस चैनल पर. जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर है, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ बढ़िया है. टेक्निकल चेक एक बार फटाफट से कर लेते हैं और फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे. आज का सेशन जो कि बात करने वाला है डेथ पेनल्टी इन इंडिया के बारे में, और अलग अलग केस लॉज के द्वारा, अलग अलग लॉज के द्वारा हम लोग समझेंगे कि इंडिया में डेथ पेनल्टी का क्या स्टेटस है. अलग अलग केस लॉज के द्वारा ये समझेंगे कि किस तरीके से जुडिशरी अप्रोच कर रही है डेथ पेनल्टी को और क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज करनी चाहिए. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर द कन्फर्मेशन. दो अप्रोच रहने वाली है हमारी आज के सेशन में. एक अप्रोच है लीगल एसे वाली अप्रोच, कि अगर इस टॉपिक पे, डेथ पेनल्टी इन इंडिया के टॉपिक पे अगर आपके सामने लीगल एसे आता है तो आपको कैसे अप्रोच करना है. दूसरी अप्रोच उन बच्चों के लिए जिनको लीगल ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन टॉपिक में इंटरेस्ट है, कि डेथ पेनल्टी इन इंडिया में केस लॉज क्या है, लॉज क्या एग्जिस्ट करते हैं, क्या डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उनके लिए भी सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है. ऑल राइट, सो दिस इज मी, आई एम अपूर्वा पुरोहित. लोकल लॉज, लीगल अपडेट, लीगल ऐसे, दैट इज माई डिपार्टमेंट इन लिंकिंग लॉज टीम. इसके अलावा आई एम अ प्लस वेरीफाइड एडुकेटर. ये कोई चैनल है टेलीग्राम का जो आपको ज्वाइन करना है, अनअकैडमी लिंकिंग लॉज, और दूसरा चैनल है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम. वो चैनल आपको इसलिए ज्वाइन करना है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम वाले, जिससे कि आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाए. जो क्लास मैं लेती हूँ उसकी पीडीएफ शेयर करती हूँ. काफ़ी बार बच्चों में ऐसे वो पेशेंस नहीं होता है कि मैम अभी सेशन लिया है तो अभी पीडीएफ शेयर करो. मेरा अप्रोच ये रहता है कि मैं 2-3 सेशन का पीडीएफ एक साथ शेयर कर देती हूँ आप लोगों को. उसमें उतना लेट नहीं होना चाहिए, तब तक आप लोग अपने नोट्स बनाया करो क्लास से, थोड़े बुलेट पॉइंट्स वाले, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. बाकी आई शेयर द पीडीएफ, 2-3 क्लासेस की हमारी पीडीएफ बाकी है तो उनको एक साथ में शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के पास में. ऑल राइट, बिना टाइम वेस्ट किए एक ढांचा, एक बेसिक ढांचा जो आपको पता होना चाहिए लीगल एसे के लिए. सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में बैकग्राउंड, इश्यूज क्या है, स्टैट्यूट्स क्या है, सजेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है. इंट्रोडक्शन में आप बताओगे मीनिंग, स्कोप. बैकग्राउंड में हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इश्यूज यानी कि क्या प्रॉब्लम्स है, स्टैट्यूट यानी कि क्या लॉज हैं, केस लॉज यानी कि लैंडमार्क जजमेंट्स या फिर रीसेंट केसेस, सॉल्यूशन सजेशंस आपकी ओर से जो भी है, और कंक्लूजन 4-5 लाइन में संक्षेप रूप में बताना है कि क्या क्या बातें की है. इंट्रोडक्शन करने से पहले आपको एक कोटेशन के साथ में भारी भरकम एंट्री करनी है. इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको एक कोटेशन डालें जैसे कि एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके एग्जामिनर के ऊपर. तो यहाँ पर मैंने दो कोट्स लिखी है. द डेथ पेनल्टी इज नॉट अबाउट वेदर पीपल डिजर्व टू डाई फॉर द क्राइम्स दे कमिट. द रियल क्वेश्चन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन द कंट्री इज डू वी डिजर्व टू किल. असली सवाल ये नहीं है कि इनको मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए, असली सवाल ये है कि क्या हम ये पावर होल्ड करते हैं कि किसी को किल कर सकें. इवन दो आर्डेंट क्रिमिनल है, बहुत सारे मर्डर्स कमिट कर सकता है, लेकिन क्या हमारे पास ये राइट है कि हम किसी की जान ले सकें, ये बात. इसके अलावा मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक कोर्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ सोसाइटी कैन बी अ ग्राउंड टू जस्टिफाई डेथ पेनल्टी. मच्छी सिंह केस जो कि बहुत ही लैंडमार्क केस है, इस केस में कहा गया था कि कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ सोसाइटी जो होती है वो भी ग्राउंड ऑफ डेथ पेनल्टी बन सकती है. यानी कि अगर बहुत ही हार्ड कोर क्रिमिनल है जिसने खूब सारे मर्डर कमिट किए हैं और सोसाइटी एज अ कलेक्टिव मानती है कि इसको तो डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए, या एक बहुत ही ऐसा खतरनाक रेपिस्ट पर्सन है जिसने बहुत ब्रूटल तरीके से रेप कमिट किया है और सोसाइटी यहाँ पे मोर्चे लगा रही है, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं कि डेथ पेनल्टी इम्पोज की जाए, तो ये भी ग्राउंड बनना चाहिए डेथ पेनल्टी के लिए. सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्साइंस क्या कहता है, ये चीज़ का भी ध्यान में रखना चाहिए. इंट्रोडक्शन करते हैं. डेथ पेनल्टी जिसको हम लोग कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है दैट कैन बी एवर अवॉर्डेड बाय अथॉरिटीज इन एनी स्टेट. इससे ऊपर कोई सज़ा हो ही नहीं सकती है. आप लाइफ इंप्रिजनमेंट देते हो, आप 10 साल की सज़ा देते हो, आप 7 साल की सज़ा देते हो, लेकिन सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी. हम लोग टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में भी करते हैं, उसमें भी डेथ पेनल्टी का जिक्र किया हुआ है, तो आपको पता है कि उस सारी कैटेगरी में से सबसे हाईएस्ट फॉर्म है डेथ पेनल्टी का, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो. यहां पर अब क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ मतलब पनिशमेंट है, तो इस सिचुएशन के अंदर ये इंश्योर करना है कि अक्यूज ने ऑफेंस भी ऐसा किया है जो बहुत ही ग्रेव नेचर का है, एक्सट्रीम नेचर का है, उसी सिचुएशन के अंदर ही हम डेथ पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं. तो ये देखना है, इन ऑर्डर टू अक्यूज टू बी एलिजिबल टू बी अवॉर्डेड विद द सेम, ही हैज टू कमिट अ क्राइम दैट इज ऑफ द डिग्री दैट द जुडिशरी अवॉर्ड्स अ डेथ सेंटेंस टू हिम.
इस तरीके के नेचर का है कि और कोई सजा तो मिल ही नहीं सकती है। डिटरेंस थ्योरी से आती है, आपको पता है कि कुछ थ्योरीज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि बदलाव में विश्वास रखती है कि इंसान का परिवर्तन हो सकता है, हृदय परिवर्तन हो सकता है। दूसरा रेट्रीब्यूशन, यानी कि आई फॉर एन आई, पत्थर मारोगे तो पत्थर मिलेगा। डिटरेंस थ्योरी जो कहती है कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करो कि बाकी लोग ये काम करने से डरे या कतराएं। तो यहाँ पर जो डेथ पेनल्टी वाला मामला है वो डिटरेंस थ्योरी ऑफ लॉ को बिलोंग करता है, यानी कि हम विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि अगली बार कोई और इस प्रकार का ऑफेंस कमिट ही ना करे। तो टू सेट एन एग्जाम्पल इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल बाय पनिशिंग द क्रिमिनल एंड क्रिएटिंग फियर। क्रिएटिंग फियर डिटरेंस थ्योरी का सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है, और वही हम लोग डेथ पेनल्टी के द्वारा कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी सजा दे रहे हैं कि डेथ का हम लोग मान के चल रहे हैं कि खौफ सबको होता है, सबको मरने से डर लगता है। तो अगर हम ये एग्जाम्पल सेट करेंगे तो शायद जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं वो अपने मोटिव्स बदल दें। इसके अलावा इंडिया में डेथ पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है इंडियन पिनल कोड के अंदर, सेक्शन 53 के अंदर, 1860 के एक्ट से आ रहा था, और उसके बाद में हमने इंडिपेंडेंस के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 के अंदर आपको मिलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सब लोगों को जीने का अधिकार है, लेकिन अगर आप 21 को पूरी तरीके से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि एक बहुत ही छोटी सी लाइन लिखकर बहुत सारा अधिकार स्टेट ने अपने पास में रख लिया है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी लाइफ एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि गारंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लीगल प्रोसीजर इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू टेक समवनस लाइफ। आप कहीं ना कहीं लॉ के पास में, स्टेट के पास में पावर दे रहे हो कि वो किसी की लाइफ ले सकते हैं अगर लॉ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो। ये बात 21 में हमें मिल रही है। और फिर आप देखोगे कि आईपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, अलग अलग प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने इसको बैक किया। ये लॉज इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे, हमने इसको बदलाव करने की रिक्वायरमेंट नहीं समझी, तो हमने उसको एज इट इज कंटिन्यू किया है। जो पनिशमेंट यहाँ पे बता रखी थी उन पनिशमेंट को एज इट इज फॉलो किया। ये बेसिक बातें हो गई, और अब हम लोग आएंगे सबसे काम की बात जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो कि है लॉज क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं और केस लॉज क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस क्या हैं जिनके लिए डेथ पेनल्टी मिलती है। मर्डर के लिए मिल सकती है, मर्डर अगर आप कमिट करते हो इंटेंशनल तरीके से, ब्रूटल तरीके से, तो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड हो सकती है। ब्रूटल रेप, रेप भी मतलब सिंपल वर्जन रेप का नहीं है, ब्रूटल तरीके का रेप, जैसे कि माइनर बच्चे के साथ आप कर रहे हो, या फिर कोई बहुत ही इस तरीके से कर रहे हो कि इंसान की मृत्यु हो रही है या फिर वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच रहा है इंसान, तो वो वाली सिचुएशन के अंदर डेथ पेनल्टी अवॉर्ड हो सकती है। क्राइम रिलेटिंग टू टेररिज्म में मिल सकती है डेथ पेनल्टी। किडनैपिंग एंड थ्रेटनिंग टू किल, ये जनरल किडनैपिंग नहीं, ये किडनैपिंग फॉर रैंसम है, मतलब आप बदले में कुछ मांग रहे हो और कह रहे हो कि अगर ये नहीं दिया तो इसको मार देंगे। तो देर इज अ थ्रेट टू किल, इमीडिएट थ्रेट टू किल, तो यहाँ पर भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड हो सकती है। अगर कोई सती प्रथा को अबेट कर रहा है तो भी मिल सकती है। रिपीटेड ड्रग ट्रैफिकिंग, NDPS के अंदर भी हम लोग सजा दे रहे हैं, अगर कोई इंसान है जो रिपीटेड तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। अदर ऑफेंसेज ऑफ लाइक नेचर, तो दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट वाला मामला हो गया, या और भी एक आध चीज़ें आप म्यूटिनी वाले देखोगे, उन सब में भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जा सकती है। तो वो आपके ऊपर एक होमवर्क रहेगा कि आप फाइंड आउट करो कि और कौन कौन से लाइक नेचर के ऑफेंसेज हैं। चलो अब हम लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मुझे एक बार बता दो कि सब लोग तैयार हैं लॉज सुनने के लिए, क्या क्या सेक्शंस हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग डेथ पेनल्टी को बैक कर रहे हैं, कहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आप डेथ पेनल्टी इम्पोज कर सकते हो, कौन से लॉ में लिखा है। तो ये सारे लॉज हैं जो बैकअप कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी लॉज हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। अदर थ्योरीज में है, रिफॉर्मेशन है, रेट्रीब्यूशन है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो सब लोग रेडी हैं, एक बार थम्स अप के माध्यम से बताओ कि वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, कोई अलग अलग नहीं समझ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है। अभी तक केवल और केवल जनरल बातें की हैं, जो आपके काम की बातें हैं वो अब एक्चुअली स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार फटाफट से कन्फर्मेशन दे दो कि जो बेसिक बातें वो तो हमें समझ में आ चुकी है। चलिए वेरी गुड, तो हम लोग कुछ लॉज की बात करते हैं कि कौन से लॉज के द्वारा डेथ पेनल्टी बैक हो रही है। सबसे पहले तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है,
तो सब लोग के दिमाग में होगा कि मैडम ये तो लाइफ वाला आर्टिकल है, इसके अंदर कैसे डेथ पेनल्टी इम्पोज हो रही है। तो आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे रहा है, वो ये भी कह रहा है एक्सेप्ट विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि यहां पर लॉ को बहुत सारी पावर दे दी है कि अगर लॉ ने कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है कि हम लोग इस सिचुएशन में आपकी लाइफ भी ले सकते हैं, तो दैट इज ओके। स्टेट को ये पावर मिल रही है, अधिकार मिल रहा है कि राइट टू लाइफ को छीन सके एक लॉ के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। लॉ के बाहर जाकर नहीं, लॉ के दायरे से आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ भी छीन सकते हो। क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया, तो ये सारे सेक्शंस के अंदर प्रोसीजर बता रखा है। अलग अलग लॉज हैं जो बोल रहे हैं कि अच्छा अगर ऐसा इंसान कर देता है तो उसको मार दो, उसको डेथ पेनल्टी इंपोज कर दो उस पर। इसके अलावा सेक्शन 53 भी आप नोट कर सकते हो, जहां पे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट बता रखे हैं। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, जहां पर बताया जा रहा है कि अगर कौन कौन सी पनिशमेंट मिल सकती है, उसमें डेथ पेनल्टी का भी नाम मेंशन किया गया है। इसके अलावा सेक्शन 121 आईपीसी, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट स्टेट, अबेटिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट स्टेट, इन सारे मामलों में डेथ पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। सेक्शन 302, 303 मर्डर वाले जो प्रोविजन हैं उसके अंदर तो मिलती है। इसके अलावा 376A रेप, जहां पर ये चीज़ हो रही है कि विक्टिम की मृत्यु हो रही है, ऐसा रेप आपने कमिट किया जहां पे विक्टिम की मृत्यु हो गई है, ये विक्टिम पहुंच चुका है वेजिटेटिव स्टेट में। अब इसका एग्जांपल है अरुणा शानबॉग का केस, सब लोगों ने सुना होगा। हालांकि वो पॉपुलर इसलिए क्योंकि यूथनेशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अरुणा शानबॉग केस के फैक्ट्स में जाओगे तो आपको याद आएगा कि एक नर्स हुआ करती थी, उसका रेप किया गया था स्टाफ के द्वारा, कोई मतलब पर्सन था जो कि स्टाफ से ही बिलोंग करता था, उनको ईगो हर्ट हो गया था क्योंकि इन्होंने काम करने के लिए कह दिया था। तो इस सिचुएशन में वो रेप कमिट करते हैं, इस प्रकार से रेप कमिट करते हैं कि वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है। इस इंसान को सजा मिलती है कुछ 7 साल की, 7 साल में रिहा हो जाता, लेकिन ये महिला पूरा लाइफ टाइम रहती है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर। कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हुई थी और इसमें सवाल ये उठा था कि इनको यूथनेशिया दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो चुकी है। अभी आप लोग कहोगे लेकिन फिर वो 7 साल में छूट गया था, यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि डेथ पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट है बाद में किया गया था, उस टाइम पर ऐसा कुछ भी लॉ नहीं था, 7 साल की सजा मिलती थी, इंसान छूट जाता था। लेकिन जब अरुणा शानबॉग केस को देखा गया, जब पता लगा कि इसकी क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, तो हम लोगों ने इस सिचुएशन के लिए स्पेसिफिकली 376A को इंसर्ट किया और कहा कि अगर इस प्रकार का रेप होगा तो यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता नहीं है लॉ का, तो वो इंसान फ्री है, अभी भी जीवन जी ही रहा होगा अपना। इसके अलावा 376DB जो कि बाद में अमेंडमेंट के द्वारा आया, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 12 years ऑफ एज, 12 साल से छोटी जो महिला है उसके लिए आप डेथ पेनल्टी दे सकते हो अगर उनका रेप होता है तो। इसके अलावा पॉक्सो के प्रोविजंस भी देख सकते हो कि पॉक्सो में कहां कहां का डेथ पेनल्टी दे रखी है, 1 या 2 प्रोविजंस आपको मिलेंगे, उनको भी आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा सती एक्ट का पार्ट 2 सेक्शन 4, जहां पर आप अबेट कर रहे हो सती प्रथा को, कोई आके कह रहा है कि इसको सती कर देते हैं, ये कर देते हैं, कोई अबेट कर रहा है, कोई इंस्टिगेट कर रहा है, कोई अटेम्प्ट कर रहा है, इन सारे मामलों में भी डेथ पेनल्टी मिल सकती है। NDPS एक्ट का 31A ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस ऑफ रिपीट ऑफेंसेस, अगर आप बार बार ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हो तो तब भी मिल सकती है डेथ पेनल्टी। इसके अलावा और अगर आपको कोई लॉज मिले तो आप उसको लिस्ट में नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि इतना इनफ हो, अगर लीगल ऐसे की पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इतने लॉज की नॉलेज इनफ है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें केवल 4 पन्नों में लॉज ही लिखना है, हमें बस ये बताना है कि हमें नॉलेज है इतनी, इससे ज़्यादा भी है लेकिन इससे ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क केसेस की। जो आपने सबने इसका नाम सुना होगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हर बच्चा, चाहे वो फर्स्ट ईयर का बच्चा हो चाहे सेकंड ईयर का बच्चा हो, कभी ना कभी अभी तक सुन लिया होगा कि बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। चाहे हमें ना पता हो कि फैक्ट्स ऑफ केस क्या है, चाहे हमें नहीं पता कि इस केस में हुआ क्या था, लेकिन ये नाम तो जरूर सुना है, चाहे तो कोई क्वेश्चन पेपर में देखा था, चाहे तो कहीं से ऐसी बात करते करते सुन लिया। अगर आप लॉ से जुड़े हुए हो तो आपने ये केस का नाम जरूर सुना होगा। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो बच्चन सिंह है, इनके ऊपर एलिगेशन था, अक्यूजेशन था 3 लोगों का मर्डर कमिट करने का। एक मर्डर कमिट किया था, उसके बाद में रिहा हुए थे, बीच में बेल वेल लिया था और फिर से मर्डर कमिट कर दिया था। तो इनका मामला बहुत एक्सट्रीम लेवल का था, जहां पर ये मर्डर कमिट किए ही जा रहे थे, सीरियल किलर टाइप के नेचर इनका हो गया था। तो जब कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रेवेस्ट ऑफ ग्रेव सर्कमस्टांसिस में आ रहा है। और साथ ही साथ कोर्ट ने इस केस में दी रेयरेस्ट ऑफ रेयर की डॉक्ट्रिन।
रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन वॉज गिवन. रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग डेथ पेनल्टी इम्पोज करेंगे केवल उन केसेस के अंदर जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो. रेयर भी नहीं, देखो रेयर का मतलब होगा कि ये चीज़ कम होती है. रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब ये तो हज़ार में से एक केस ऐसा आता है, उन मामलों में तो मिलना ही चाहिए डेथ पेनल्टी. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन इस प्रकार से दी गई कि हम लोग डेथ पेनल्टी केवल उन केसेस में इम्पोज करें जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. यानी कि हज़ार में से 2000, 5000 केसेस में से कोई एक ऐसा केस आता है जो आपकी रूह जिस सुन के कांप जाती है, जिसको आप सुन के शायद सो नहीं पाओगे, जग नहीं पाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. आप लोगों ने कभी न्यूज़ क्लिपिंग अगर उठा के देखी होगी तो कुछ पर्टिकुलर केसेस पढ़ के आपको भी लगता होगा कि अरे ऐसा कैसे कर दिया किसी ने, ये कोई सोच भी कैसे सकता है करने के लिए. इस तरीके के मामले ह्यूमन माइंड फैथोम नहीं कर पाता है. ये इतना ब्रूटल है, इतना बारबरिक है कि हम लोग समझते हैं कि शायद कोई राक्षस भी ये चीज़ अपने दिमाग में नहीं सोच सकता है. तो उन मामलों को हम लोग कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर, और उन मामलों में हम इम्पोज करेंगे डेथ पेनल्टी. तो सवाल ये उठा कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप डिटरमाइन कैसे करोगे कौन सा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है? किसी के लिए अपनी माता का मृत्यु करना, किसी के लिए मम्मी का मर्डर कमिट करना भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो सकता है. किसी का ये बात सुन के रात की नींद उड़ जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा कोई इंसान ने ऐसा क्यों किया. लेकिन किसी के लिए शायद नॉर्मल बात है, वो शायद समझे कि अच्छा इसकी माता ने शायद इसको बहुत परेशान किया होगा बचपन में, शायद ये उसका निकला है गुस्सा या जो भी चीज़ है. तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो कोर्ट ने कहा कि आप बनाओ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस का एक लिस्ट, एक बनाओ आप एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसिस का लिस्ट. ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस क्या है, एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसिस क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, एक मिनट की शांति रखो, मैं बता देती हूँ. मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस वो सर्कमस्टांसिस होते हैं जिनको हम लोग इसलिए नोट डाउन कर रहे हैं कि इस इंसान को डेथ पेनल्टी ना मिले. एग्जाम्पल के तौर पे बच्चन सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं. इनके लिए मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस ये होगा कि मैंने पहली बार ऑफेंस कमिट किया था, एक ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं. दूसरा, मैं अभी बहुत ही यंग हूँ, मेरा कोई पुराना हिस्ट्री नहीं है, मेरे बच्चे हैं जिनका मुझे देखभाल करनी है, मेरी फैमिली है जो मेरे ऊपर रिलाई कर रही है इनकम कमाने के लिए. तो ये सारे फैक्टर्स बनेंगे मिटिगेटिंग फैक्टर्स, यानी कि इन कारणों की वजह से मुझे छोड़ दो. एग्रीवेटिंग बनेंगे ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से ऑफेंस कमिट किया गया था जैसा कोई राक्षसी शायद कमिट करता होगा. इस प्रकार से ऑफेंस कमिट किया गया था जो नेचर था वो प्रीमीडिएटेड था. इस प्रकार से ऑफेंस कमिट किया गया था कि इनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं था, इन्होंने चॉप किए थे बॉडी के पार्ट्स को इस तरीके से, फिर कुत्ते को खिलाया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी चीज़ें ये पहले भी ऑफेंस कमिट कर चुके हैं. तो ये सारे फैक्टर्स एग्रीवेटिंग बनेंगे, यानी ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए. इन दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करो और फिर डिसाइड करो कि डेथ पेनल्टी अवॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. जल्दी से एक बार बताओ कि ये मामला समझ में आया, यस और नो? एक बार फटाफट से बताओ, जो मैंने मिटिगेटिंग फैक्टर और एग्रीवेटिंग फैक्टर वाली बात बताई आपको, वो चीज़ आपको समझ में आई, यस और नो? एक बार बस वाई और एन में बता दो जवाब. बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं. रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जाने वाला सवाल है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन किस केस से आई है, तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से आई है. दूसरा, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मिटिगेटिंग फैक्टर्स की बात कहाँ की गई है? सबसे पहले तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में की गई है. ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट से शॉर्ट में. पहली बात जो बताई गई है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन के बारे में बताई गई, यानी कि 2000 5000 केसेस में कभी एक ऐसा केस आता है जब आपका जीना खाना पीना मुश्किल हो जाता है. जिसके फैक्ट सुनकर शायद आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और कभी कभी आपको लगता होगा कि किसी इंसान ने ये चीज़ कैसे कर ली, अब तो मुझे खाना भी नहीं भा रहा है. इस प्रकार का केस एक निर्भया वाला केस हुआ था जब पूरी सोसाइटी हिल गई थी ये बात सुन के कि ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है. तो इस प्रकार के केसेस जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं सुनते हैं. रेप के बारे में हम लोग रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं, लेकिन इतना ब्रूटल रेप, तो इसके अंदर ये मामला आएगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर के अंदर. तो यहाँ पर ये डॉक्ट्रिन यही कह रही है कि इस प्रकार के मामले जो मामले रेगुलर बेसिस पे होते नहीं हैं उनके लिए सजा मिले. दूसरा, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स मिटिगेटिंग फैक्टर्स की लिस्ट बनाई जाए. मिटिगेटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको इस डायरेक्शन में फेंकेंगे कि इसको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे, ये अभी यंग पर्सन है, इसने पहले ऑफेंस कमिट कभी नहीं किया, इसकी फैमिली है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लो. महिला अभी प्रेग्नेंट है, इन सब फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेकर इनको डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए. एग्रीवेटिंग के एग्जाम्पल्स हो गए कि ये पहले भी ऑफेंस कमिट कर चुका है, जिस प्रकार से इसने ऑफेंस कमिट किया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है,
जिस प्रकार से ऑफेंस कमिट किया गया है पता लगता है इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, इसके अलावा ये दूसरे इंसानों को अभी तक थ्रेट कर रहा है, तो ये सारी बातों को कंसिडरेशन में लेकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो ये दोनों फैक्टर्स की लिस्ट बनाई और कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो डिसाइड किया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर डिसाइड किया कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अभी बताओ क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए फाइनली, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसको एक बार वापस से सुन लेना, क्लियर जरूर होगा। और फिर भी नहीं हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करना, आई विल सेंड यू अ पीडीएफ, उससे आपको क्लियर होगा। अगला केस मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेम वही बातें जो बच्चन सिंह ने बताई थी, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स वाली, मिटिगेटिंग फैक्टर्स वाली, उन्हीं बातों को साथ में लेकर ये कहा कि आप एक बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है भाई साहब, तो सुनो, ये बनेगी एक बैलेंस शीट। जैसे आप लोग डिफरेंसेस जब लिखते हो तो एक टेबल बनाते हो, तो ये बने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, ये बने मिटिगेटिंग फैक्टर्स। एक बैलेंस शीट बनाओ और उस बैलेंस शीट में पॉइंट बाय पॉइंट लिखो कि क्या एग्रीवेटिंग है क्या मिटिगेटिंग है, और अंत में कंपैरिजन करके अपना जवाब दो कि आपके हिसाब से अब डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बच्चन सिंह ने बताया था कि एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मच्छी सिंह केस के अंदर कहा कि एक बैलेंस शीट बना के प्रॉपर तरीके से टैली किया जाए। हमें पता लगना चाहिए क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखा है, क्या मिटिगेटिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। नहीं तो क्या है, अगर आप मेंशन नहीं करोगे, बैलेंस शीट में मेंशन नहीं करोगे, तो पता नहीं लग पाएगा जजमेंट के द्वारा कि आपने क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। अगर एक बैलेंस शीट बनेगी तो हर इंसान जो जजमेंट पड़ेगा उसको पता लगेगा एकदम क्लियर कट तरीके से कि किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की गई है या किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं की गई है। तो यहां पर एक बात याद रखना कि बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, बाकी बातें वही रिपीट की थी कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं बच्चन सिंह, बस एक ये काम कर दो कि बैलेंस शीट बना लो, ठीक है। अगला केस उपेंद्र प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओरिसा, ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां पर कोई भी कोर्ट ने कोई भी रूल का पालन नहीं किया। उपेंद्र प्रधान जी ने बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट किए थे, 307 का, 302 का, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के साथ में ऑफेंसेस कमिट किए थे। सेशन जज ने कहा कि बहुत ही सीरियस मामला है, इनको तो डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले को रिवर्स कर दिया, लेकिन दोनों ही कोर्ट ने कोई स्पेशल रीजंस प्रोवाइड नहीं किए। दोनों ही कोर्ट ने चाहे तो सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी अवॉइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कारण बताओ। आपने बच्चन सिंह वाले कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, ना तो आपने बताया कि केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में क्यों फॉल करता है, ना आपने मिटिगेटिंग फैक्टर बताए, ना आपने एग्रीवेटिंग फैक्टर्स बताए, आपने कोई स्पेशल रीजंस तक अवॉर्ड नहीं किए, आपने कुछ भी नहीं किया और डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी। फिर हाई कोर्ट ने भी सेम चीज की, उस ऑर्डर को रिवर्स किया, उस जजमेंट को रिवर्स किया, लेकिन बताया नहीं कि क्यों रिवर्स किया है। तो ये सारे मामले देखे गए थे कि यहां पर कोई भी चीज का ध्यान नहीं रखा गया था, और इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया इस चीज के लिए कि हम लोगों ने जो सारे रूल्स निकाले हैं अलग अलग केस लॉस के द्वारा, उसका पालन प्रैक्टिकल रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और सेक्शन आपको ध्यान रखना है, 354 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। 354 जजमेंट के बारे में बात कर रहा है, उसका सब क्लॉज 3 कह रहा है कि जब जजमेंट में डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाएगी कोई भी जज के द्वारा, कोई भी बेंच के द्वारा, तो उनको स्पेशल रीजंस मेंशन करने हैं कि डेथ पेनल्टी क्यों अवॉर्ड की जा रही है। ये सवाल बच्चन सिंह में भी उठा था, उपेंद्र प्रधान वाले केस में तो बताया गया कि आपने 354 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी तक की बात नहीं मानी, बच्चन सिंह की नहीं मानी, मच्छी सिंह की नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ सीआरपीसी का भी अवहेलना किया, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? यस और नो फटाफट से बताइए, मामला क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर एक बार फटाफट से मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार सुनते हैं, उसके बाद में सारे केस लॉस को एक टाइमलाइन की तरह समझ लेंगे। अगला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वैसे ये सारे ही जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सब जजमेंट्स का नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा। शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड केस है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, यहाँ पर जो महिला है शबनम जी ने अपने पूरे परिवार का मर्डर कमिट कर दिया था अपने लवर के साथ में। वापस से सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। शबनम वॉज एन एडुकेटेड वुमन, पढ़ी लिखी महिला थी, डबल एमए थी।
इनके पिताजी भी गवर्नमेंट टीचर थे और ये खुद भी शिक्षा मित्र थी। ये बता क्यों रही हूँ, ये मैं बताऊँगी कि इनकी पढ़ाई लिखाई का क्या लेना देना इस चीज़ से। 8 फैमिली मेंबर्स थे जिसमें एक नेफ्यू था जो केवल और केवल 8 महीने का था, और भी कोई बच्चे शामिल थे। इनको शादी करनी थी अपने लवर के साथ जो 8वीं फेल था, और परिवार जो कि एडुकेटेड फैमिली वाला बैकग्राउंड था वो बिल्कुल इससे राज़ी नहीं हो रहे थे। तो एक रात इन्होंने ऐसा किया कि खाने में सबकी स्लीपिंग पिल्स मिला दी और सबको खाना खिलाया। जब सब सोने गए तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और सबको कुल्हाड़ी से चॉप कर दिया, सबको कुल्हाड़ी से चॉप कर दिया, पूरे परिवार को। 8 लोगों का मर्डर जिसमें 8 महीने का बच्चा भी शामिल है और एक और चाइल्ड शामिल है जो कि 7-8 साल का था। तो इस पर्टिकुलर केस में जब इन लोगों ने कुल्हाड़ी से सारी फैमिली को चॉप किया, ये लड़का जो था सलीम, जो इसका बॉयफ्रेंड था, वो भाग गया मारने के बाद में। अगले दिन सुबह शबनम चिल्लाने लगी, जोर जोर से शोर मचा रही है, रो रही है, पूरी कॉलोनी को इकट्ठा कर रही है और कह रही है कि मैं सो रही थी और कोई आया और ये सब कुछ करके चला गया। जब इन्वेस्टिगेशन की तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पता लग गया कि ये जो मामला है पूरा के पूरा शबनम और सलीम के द्वारा किया गया है। सेशन कोर्ट ने डेथ पेनल्टी इम्पोज करी, हाई कोर्ट ने कन्फर्म करी, डेथ पेनल्टी मिली। मीडिया में ये सवाल क्यों आया? मीडिया में ये सवाल इसलिए आया कि शबनम वॉज प्रेग्नेंट और इनका फिर जब मामला चल रहा था तब इनका एक बच्चा भी हुआ था, तो ये फैक्टर मीडिया इसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि एक बच्चा है जो कि बहुत ही यंग है, उस कारण से इस महिला को छोड़ देना चाहिए, डेथ पेनल्टी नहीं इम्पोज करनी चाहिए उस बच्चे का सोचते हुए। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने मर्सी पटिशन भी फाइल करी थी, क्यूरेटिव पटिशन भी फाइल करी थी, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है और अलग अलग प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर साहब, जिनको भी मर्सी पटिशन फाइल की है, उनको भी यही लगता है कि आप ये जो इस चीज़ को पैरिसाइड कहते हैं, अपने परिवार का ही मर्डर करना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। और शबनम के अंदर इस चीज़ का कोई रिमोर्स नहीं दिखता है, कोई गिल्ट नहीं दिखता है। तो ये जो महिला है ये बहुत ही खौफनाक है सोसाइटी के लिए। अगर एक छोटे 8 महीने के बच्चा जो कि आपके खुद के साथ में एक ब्लड रिलेशन शेयर करता है, आप उसका मर्डर कमिट कर सकते हो इतना बेरहमी से, तो फिर क्या बोलना। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर डेथ पेनल्टी इम्पोज की गई थी, इनकी मर्सी पटिशन, क्यूरेटिव पटिशन, किसी भी चीज़ का कोई भी असर नहीं हुआ था। मीडिया में इसलिए आया क्योंकि इनका बच्चा बहुत ही छोटा था और मीडिया ऐसा प्रेशर पुट अप कर रही थी कि छोटे बच्चे के बारे में हमें सोचना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मिटिगेटिंग फैक्टर होना चाहिए। हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा बंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और मोहम्मद चमन वर्सेस स्टेट, दोनों केसेस को एक साथ में समझना। इन दोनों ही केसेस में अक्यूज पर्सन ने एक माइनर बच्ची का रेप कमिट किया था। दोनों ही अक्यूज की सेम उम्र थी, सेम सर्कमस्टांसेस में ऑफेंसेस कमिट हुए थे, लेकिन बंटू को मिली थी डेथ पेनल्टी, मोहम्मद चमन को मिल गया था कुछ भी नहीं, मतलब बेसिक सजा, डेथ पेनल्टी इनको नहीं मिली। तो इन दोनों केसेस को कंपेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये डिस्पैरिटी क्यों, मतलब सेम फैक्ट्स हैं, एग्जैक्टली सेम फैक्ट्स हैं, दोनों अक्यूज का सेम बैकग्राउंड है, सेम उम्र है और दोनों ने ऑफेंस कमिट किया एक माइनर बच्ची के अगेंस्ट, तो एक इंसान को डेथ पेनल्टी मिल रही है एक को नहीं मिल रही, ऐसा क्यों? ये डिस्पैरिटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब हम लोग आर्बिट्री तरीके से डेथ पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा खतरा है हमारी जुडिशरी के लिए, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि आप किस कारणों से डेथ पेनल्टी इम्पोज कर रहे हो और किस कारणों से नहीं कर रहे हो। हालांकि हर जज का अपना एक माइंडसेट होता है, एक बेंच कुछ अलग लोगों की होगी, एक बेंच कुछ अलग लोगों की होगी और हर इंसान अपना माइंड अप्लाई करेगा, क्योंकि जजेस भी एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस ही होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्पेरिटी अलग अलग केस लॉज में आपको मिलती है। जब हम डेथ पेनल्टी की बात करते हैं और आप इंडिया के केसेस उठाओगे तो कई बार बहुत सारे खराब खतरनाक केसेस में भी डेथ पेनल्टी नहीं मिलती है और कई बार बहुत नॉर्मल केस में भी मिल जाती है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी। बच्चन सिंह में डेथ पेनल्टी मिली थी शुभम जी। तो ये सारे कुछ केस लॉज हैं, केस लॉज को एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डील किया है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन आई थी और अग्रीवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स के बारे में बात की गई थी। केस में डेथ पेनल्टी मिल गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर दो। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वही प्रिंसिपल जो बच्चन सिंह ने बताए थे उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन साथ में कह रहा था एक बैलेंस शीट बना दो जहां पे अग्रेवेटिंग फैक्टर्स भी है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स भी, और हम उनको कंपेयर करके एक रिजल्ट पे आ रहे हैं, जिससे कि जो भी इंसान जजमेंट पढ़े या रेफर करे उसको क्लियर कट पता लगे कि ये डेथ पेनल्टी क्यों मिली है या क्यों नहीं मिली है, वो चीज़ एकदम क्लियरली विजिबल रहे।
अगला केस उपेंद्र प्रधान का, यहां पर ना तो सेशन कोर्ट ना हाई कोर्ट ने कोई कारण दिए कि हम लोग डेथ पेनल्टी क्यों दे रहे हैं या क्यों इसको वापस से रिवर्स कर रहे हैं ऑर्डर को। किसी ने कोई स्पेशल कारण नहीं मेंशन किए, ना तो बच्चन सिंह की कोई रूल की वैल्यू की गई, ना मच्छी सिंह की वैल्यू की गई, ना ही सेक्शन 354 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी जो कि कह रहा है कि जजमेंट में जब डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो स्पेशल रीजंस बताओ, उसका भी वैल्यू नहीं किया गया। इसके बाद में शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, महिला ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार का खात्मा किया जहां पर एक छोटा बच्चा भी शामिल था। डेथ पेनल्टी मिलती है और कंफर्म होती है, मर्सी पिटीशन जाती है, मीडिया में लाइमलाइट में आता है क्योंकि इनका एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेथ पेनल्टी तो मिली जाती है। फिर मैंने दो केसेस बताए, बंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और मोहम्मद चमन वर्सेस स्टेट। दोनों केसेस को साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक केस में डेथ पेनल्टी मिल रही है, एक में नहीं मिल रही है, जबकि फैक्ट्स दोनों के सेम है। दोनों अक्यूज की ऑलमोस्ट सिमिलर एज है, सिमिलर बैकग्राउंड है, दोनों ने ऑफेंस कमिट किया है, रेप कमिट किया है एक छोटी बच्ची के अगेंस्ट, लेकिन एक को डेथ पेनल्टी मिलती है एक को नहीं मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बहुत ही बुरा मानता है, मीडिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाता है कि आप किस तरीके से डिसाइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी हो रहा है ये डेथ पेनल्टी कैसे इम्पोज हो रही है कैसे नहीं हो रही है, कोई भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म तरीका नहीं है डिसाइड करने का। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, ब्रेक के बाद में क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल होते हैं डेथ पेनल्टी के बाद। अगर एक अक्यूज पर्सन को डेथ पेनल्टी मिल जाती है तो क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है उसके पास में, पहले हम ये देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि प्रोस क्या है, मतलब कि जो लोग भी सपोर्ट करते हैं डेथ पेनल्टी को वो क्यों सपोर्ट करते हैं, और कॉन्स यानी कि जो लोग अगेंस्ट हैं वो लोग क्यों अगेंस्ट हैं, और अंत में कंक्लूजन। सो दिस इज अ ब्रेक, प्लस के बेनिफिट्स आप जानते हो, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस और अनलिमिटेड एक्सेस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये कुछ प्लान्स हैं प्लस के, ये कुछ प्लान्स हैं आइकॉनिक के। जो भी प्लान लो कोड इस्तेमाल कीजिए APU10 फॉर 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट के लिए कोड को इस्तेमाल करो एंड फॉर एडिशनल बेनिफिट्स। इसके अलावा स्पेशल क्लास के बेनिफिट्स यू ऑलरेडी नो, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, पोल्स हैं, रेज हैंड ऑप्शन है, सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर नोटिफिकेशन मेरी क्लासेस की नहीं मिल रही तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट नजर आए तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप लोग का अधिकार है, और ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं कोई खाली स्लाइड नहीं है ना, रुको यहीं पर डिस्कस करते हैं रिलीफ क्या क्या है। एक टॉपिक आप डाल सकते हो कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली तो व्हाट आर रिलीफ्स अवेलेबल अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। तो सबसे पहले अगर सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी मिली है, सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ पेनल्टी मिली है तो सेक्शन 363 के अकॉर्डिंग आपको हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होगा। दूसरा, सेशन के ऑर्डर को, जजमेंट को आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का ऑर्डर रिव्यू किया जा सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। जब सारी अपील वेव हो गई इसके बाद क्या, इसके बाद में क्यूरेटिव पिटीशन वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है। चौथा पॉइंट, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन फेल हो गया तो क्या करें, तो क्यूरेटिव पिटीशन के बाद में आपके पास ऑप्शन है मर्सी पिटीशन का। मर्सी पिटीशन यानी क्या होता है, आप पार्डनिंग मांग रहे हो कि माफ कर दो मुझे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किस किस से मांग सकते हो, गवर्नर से भी मांग सकते हो, प्रेसिडेंट से भी मांग सकते हो। पहले आप अप्रोच करोगे गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब को आप अप्रोच करते हो आर्टिकल 161 के अंदर। गवर्नर ने आपकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दी तो आप प्रेसिडेंट के पास में मर्सी पिटीशन लेके हो जाते हो आर्टिकल 72 के अंदर। एक बार वापस सुन लो कि क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल है, वापस समझो। सबसे पहले सेशन कोर्ट आपको डेथ पेनल्टी अगर देता है तो कंफर्मेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी 363 सीआरपीसी के अकॉर्डेंस में, तो उसके बाद में अपील रहेगी हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिव्यू करा सकते हो, हाई कोर्ट की फिर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी रिव्यू हो सकता है। लेकिन अंत में जब सब कुछ खत्म हो गया तो क्यूरेटिव पिटीशन के मतलब SLP क्यूरेटिव पिटीशन सिमिलर चीज आप वो चीज कर सकते हो, वो भी खत्म हो गया तो मर्सी पिटीशन दो लोगों को की जा सकती है, गवर्नर और प्रेसिडेंट। सबसे पहले आप गवर्नर को ट्राई कर सकते हो 161 आर्टिकल के अकॉर्डेंस में, अगर वहां से रिजेक्शन मिला तो प्रेसिडेंट को भी कर सकते हो, फिर रिजेक्शन मिला तो कोई बात नहीं। इसके अलावा मर्सी पिटीशन में दो तीन चीजें हो सकती है, कम्यूटेशन हो सकता है, रेमिशन हो सकता है, रिस्पाइट हो सकता है, टोटल पार्डन हो सकता है। इन सब शब्दों का क्या मतलब होता है, रेमिशन का क्या मतलब है, रिस्पाइट का क्या मतलब है, कम्यूटेशन का क्या मतलब है, इन सारे मीनिंग को फाइंड आउट आप लोगों को करना है। ये आपका एक बेसिक होमवर्क रहेगा कि आप फाइंड आउट करो कि रेमिशन क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, पार्डनिंग क्या होती है, और जितने भी वर्ड्स एसोसिएटेड हैं मर्सी पिटीशन से उन सब के क्या क्या मीनिंग है वो फाइंड आउट करना आपका होमवर्क रहेगा।
तो ये सारे रिलीफ अवेलेबल होते हैं, ये बात याद रखना। शबनम वाले केस में भी यही हुआ था, सबसे पहले शबनम ने मर्सी पिटीशन सीख की थी यूपी के गवर्नर से, उन्होंने इनकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की, उसके बाद में इन्होंने मर्सी पिटीशन सीख करी थी प्रणब मुखर्जी साहब से, उन्होंने भी रिजेक्ट करी, फिर तो कुछ नहीं चलता रहा मामला, अब तो डेथ पेनल्टी मिल गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या है डेथ पेनल्टी के साथ में, मतलब जो लोग अगेंस्ट में हैं, जो लोग कहते हैं डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए, वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला कारण है कि इट इज़ नॉट अप्रूव्ड एज पर ह्यूमन राइट्स। आज ऐसा हो चुका है वर्ल्ड में कि मेजॉरिटी प्रोग्रेसिव नेशंस या मेजॉरिटी डेवलप्ड नेशन डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर चुके हैं। यूएन भी डेथ पेनल्टी को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कंडेम करता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स वाले जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल भी डेथ पेनल्टी के समर्थन में नहीं है। तो एक ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट में जाता है। दूसरा, समटाइम्स इनोसेंट पीपल कैन बी सेंटेंस टू डेथ एंड उस, क्योंकि हम लोग ये इसलिए बोल रहे हैं कि डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती है। अभी हम लोगों ने देखा था बंटू वाला केस और मोहम्मद वर्सेस स्टेट वाला केस, और दोनों के अंदर डिस्पैरिटी थी, सेम फैक्ट्स थे लेकिन डिस्पैरिटी थी। तो हो सकता है कि कभी कोई इंसान को सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पर डेथ पेनल्टी मिल गई और बाद में पता लगता है कि नहीं ये तो इनोसेंट था, तो वो चीज़ भी हो सकती है। आर्बिट्ररी है क्योंकि डिस्पैरिटीज है, यानी कि आर्बिट्ररी तो है ही, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको क्यों मिल रहा है और जिसको नहीं मिल रहा है उसको क्यों नहीं मिल रहा है, अगर सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। पल्लवी जी वो एग्जीक्यूटेड हो ही गया होगा क्योंकि ये जजमेंट थोड़ा पुराना हो चुका है, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि एग्जीक्यूशन हो चुका है या नहीं हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि इसका अंत रिजल्ट यही था कि इनको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। अभी एग्जीक्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है दैट आई डोंट नो, बट आई बिलीव हो ही गया होगा। इसके अलावा मेंटल इलनेस इज इग्नोर्ड, यानी कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस इंसान ने ऑफेंस कमिट किया है वो एक नॉर्मल इंसान है, हम ये नहीं समझते कि इसको कोई मेंटल इलनेस होगी, क्योंकि मोस्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि आप और हम किसी के साथ में इतना बुरा करने के बारे में नहीं सोचेंगे, हम नहीं समझेंगे कि अच्छा आप पहले मर्डर कमिट करो फिर बॉडीज को चॉप करो उस बॉडी को जाके फ्रीजर में रखो, ये सब बातें लोगों के नॉर्मल दिमाग में नहीं आती है। तो अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ आ रही है इसका मतलब उसको कोई प्रकार की मेंटल इलनेस है, तो मेंटल इलनेस को क्योर करने की जगह हम सोचते हैं इस इंसान को मार ही दें, तो ये वाली चीज़ हुई है। इसके अलावा डजेंट फोकस ऑन रिफॉर्मेटिव अप्रोच, जो रिफॉर्मेटिव अप्रोच है इसको बिल्कुल क्रॉस किया जाता है, इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। इट के नॉट बी अंडन वंस न्यू एविडेंस इज रिवील्ड, अगर कोई नया एविडेंस आ जाता है तो अब आप क्या करोगे। इस प्रकार का एक और केस था आई बिलीव धनंजय चैटर्जी का केस, इसके लिए आप रेफर कर सकते हो, धनंजय चैटर्जी। इस केस के बारे में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कुछ हुआ था कि बाद में एविडेंस रिवील हुआ था कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट नहीं किया लेकिन उनको डेथ पेनल्टी मिल गई थी। तो ये पर्टिकुलर कुछ केसेस हैं जहां पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि रॉन्ग चली जाए, ये सारे इश्यूज हैं। और सजेशन सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो फोकस ऑन रिमूविंग डिस्पैरिटीज, यानी कि क्या इशू आ रहा है, क्या क्यों डिस्पैरिटीज हो रही हैं उसको सॉल्व करो। जो बात बच्चन सिंह में बताइए, जो चीज़ मच्छी सिंह में बताइए उसको स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर आप केसेस भी देखोगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हमारे पास सारे लॉ है, हमारे पास में सारे बढ़िया बढ़िया जजमेंट्स है, सारे बढ़िया प्रेसिडेंट है, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जुडिशरी से पूछा नहीं जाता कि भाई साहब क्यों आपने बच्चन सिंह वाले केस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया है, क्यों आपने मच्छी सिंह के केस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, क्यों आपने 354 अक्रॉस 3 CRPC को फॉलो नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, वो तो कुछ है ही नहीं। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, इसलिए डिस्पैरिटीज है और ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके अलावा फर्स्ट अप्रोच टू रिफॉर्म होना चाहिए, मतलब पहले कोशिश करनी चाहिए कि इंसान रिफॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये देखा जाए। अगर लगता है कि रिफॉर्मेशन का कोई स्कोप नहीं है तो डेथ पेनल्टी इम्पोज की जाए, लेकिन पहले एक बार रिफॉर्म करने की कोशिश तो करो। इसके अलावा आप और भी पॉइंट्स अपने मन से ऐड कर सकते हो जो आपकी नज़र में इंपॉर्टेंट है सल्यूशन की तरफ। अंत में आपको केवल संक्षेप रूप में बताना है 4-5 लाइन में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं और आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में। तो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आज के सेशन में, तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन, हमने देखा था बैकग्राउंड, हमने देखे थे बहुत सारे लॉज अलग अलग प्रकार के, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से देखे हो, चाहे सती एक्ट से देखे हो, चाहे NDPS एक्ट से देखे हो, चाहे IPC से देखे हो। इसके अलावा आपको कोई और लॉ मिलते हैं तो भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमने कुछ केस लॉज देखे हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको क्रिमिनल लॉ में और नहीं नज़र आने वाले हैं। उसके बाद में हम लोगों ने रिलीफ देखे कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है। अंत में हमने इश्यूज देखे और सॉल्यूशंस देखे। कंक्लूजन आप लोग लिख सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस मुझे है
एंड दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल टुमारो. कल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिस जो टॉपिक रहेगा राइट टू बी फॉरगॉटन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल डिस्कस करेंगे 6 बजे. थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल टुमारो. अगर कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हो. चैनल का नाम है लिंकिंग लॉज अपूर्वा मैम. वहाँ पर मैं PDF भी शेयर कर दूंगी. मुझे याद है कि मुझे 2-3 सेशन की शेयर करनी है, तो दैट विल बी डन. थैंक यू सो मच.